क्रिएटिव किचन। तो रेस्टोरेंट का खाना आप मिस कर रहे हो तो आज आपके लिए मैं स्पेशल लेकर आई हूँ कढ़ाई पनीर। तो कढ़ाई पनीर के लिए हम जो इंग्रेडिएंट लगते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है पनीर, इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है, चाहे तो आप इसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हो। हमें यहाँ लगेगा अमूल बटर और ये क्रीम है, आप अमूल क्रीम भी मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हो, घर में आपके पास क्रीम होगी वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये कस्तूरी मेथी है, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी हमने ले ली है। साथ ही में गरम मसाला में हमने ले ली है काली मिर्च, इलायची, शाहजीरा, दालचीनी, तेजपान और ये जिंजर गार्लिक की मैंने पेस्ट ले ली है। ये है जीरा, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इस तरह से मैंने कट कर लिया है टोमेटो, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की कटिंग आप देख सकते हो, स्क्वायर में मैंने इसे कट किया है। और ये अनियंस, अनियंस को मैंने इस तरह से स्क्वायर में भी कट किया है और इस तरह से चॉप भी कर लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी कढ़ाई पनीर बनाना रेस्टोरेंट स्टाइल पे। ये गैस पे चढ़ा दी है, गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसके अंदर अब हमारे सारे गर्म मसाले भून लेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें डाला है अब दालचीनी, थोड़ा सा शाहजीरा, गैस हम स्लो फ्लेम पे कर लेंगे, ये थोड़ा सा नॉर्मल जीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तेजपान, काली मिर्च और इलायची। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये अनियन और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। भून चुके हैं, इसके अंदर अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टोमेटो और इसे भी अच्छे से गला लेंगे। तो हमारा टोमेटो अच्छे से भून चुका है, सॉफ्ट हो गया है। अब हम कढ़ाई बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के बाद मिक्सर में से पीस लेंगे। इसमें मैं वापस ऑयल डालूंगी और इसके अंदर हम हमारा अनियन जो हमने इस तरह से बड़ा कट कर लिया था इसे सोते कर लेंगे। थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम डालेंगे कैप्सिकम और कैप्सिकम को भी थोड़ा सा सोते कर लेंगे। तो ये अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, इसे ज़्यादा गलाना नहीं है हमें। अब हम ये कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब ये जो कसूरी मेथी हमने ली थी इसको मैं थोड़ा सा गरम कढ़ाई के ऊपर मामूली भून लूँगी, हाफ एंड वन मिनट्स के लिए इसे गर्म करके लेना है। एक फ्लेवर के लिए हम ये डाल रहे हैं, बस थोड़ी सी हमें इसकी ज़रूरत है। तो अब ये हम निकाल लेते हैं, साइड कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो ऑयल और इसमें जो हमने ऑयल और बटर डाला था वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने अनियन और टोमेटोज की पेस्ट बनाई थी, साथ ही में इसमें सारा गरम मसाला जो था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। आप इसके अंदर ऑयल थोड़ा कम भी डाल सकते हो, मुझे इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना था इसी के लिए मैंने इसके अंदर ऑयल ज़्यादा डाला है। रोज़ रोज़ के खाने में इतना ऑयल आप खाओगे तो फिर आपके हेल्थ का कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए कभी कभार चल जाए लेकिन साथ ही में अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो सब बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है कि आप खड़ा मसाला सारा एक बार ये में भून लो और उसे अलग से मिक्सर में निकाल लो और ये अनियन और टमाटोज़ है वो अलग से मिक्सर में निकालो ताकि फिर ये इस तरह से मोटा मोटा नहीं रहेगा। देखिए इसे अच्छे से भून लेना है, जब इसका कलर चेंज होगा, अंदर हमने जो सारे मसाले डाले थे, खड़ा मसाला डाला था, इसका फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से फ्राई होने की वजह से इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो रहा है और मुझे बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। आप भी जब बनाएंगे तो आपको ये ज़रूर फील होगा और आपको ये खुशबू आएगी। तो चलिए अब ये कलर चेंज हो चुका है, इसके अंदर अच्छे से ये ऑयल छोड़ने लगा है हमारा मसाला। अब इसके अंदर हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, गैस को कम कर लीजिए।
इसके अंदर हमने डाल दी है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और ये गरम मसाला। अगर आपको कितना स्पाइसी अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल सकते हो। मैं इसको आज ज़रा तीखी बनाने वाली हूँ और इन स्पाइसेस को हम अच्छे से ऑयल में भून लेंगे हमारे मसालों के साथ। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए हमारे मसालों को कितना अच्छा सा कलर आया है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी कलरफुल बनने वाली है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से उबाल लेंगे हम। इसी थिक ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा हम ये पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर। इस सब्जी के लिए कितने अनियंस, कितने टोमेटो चाहिए ये सारा डिटेल मैं इंस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में भी ये सारा पढ़ के आप ये सब्जी फॉलो कर सकते हो। तो इसे अब अच्छा सा उबाल आने लग गया है, देखिए। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम डाल देंगे हमारी शिमला मिर्च और ऑनियन जो हमने उसको थोड़ा सा सोते करके ले लिया था। पनीर पानी में एक 10 मिनट उबालने के बाद उसे नॉर्मल थोड़ा सा हमें फ्राई करना है पिंक होने तक। ज़्यादा पकाना नहीं है, ऑलरेडी हमने इसे पका कर ले लिया था। एक उबाल आने दीजिए, जस्ट एक 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे मसालों के साथ। 5 मिनट तक हम इसे इसी तरह उबालेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, फ्रेश क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं, जस्ट 2 टेबलस्पून। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब कुछ डालने के बाद हम ये लास्ट में डाल रहे हैं परफेक्ट। अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम लास्ट में डालेंगे कसूरी मेथी जो हमने तवे के ऊपर थोड़ी सी भून ली थी, इसे हम क्रश करके डालेंगे। और हमारी अब सब्जी तैयार है। तो गाइस हमारा ये कढ़ाई पनीर बनके तैयार है। आप ये रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।